Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is Urusa Daniel. You are watching Urusa Eats. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी, चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। ये आप लोग दावतों में भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़, नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन मैरिनेशन के लिए मेरे पास है यहाँ 1/2 kg चिकन, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर और 1 tablespoon मेरे पास है यहाँ दही। तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चलिए अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैं सबसे पहले इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ 1 teaspoon, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी और अब मैं ऐड करूँगी दही 1 tablespoon। ठीक है, ये सब मैं ऐड करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं ऑयल लूँगी 1 tablespoon, एक बड़े साइज़ का प्याज है और यहाँ मेरे पास हैं 12 बादाम जिसे मैंने पानी को बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया था। अब मैं प्याज और बादाम को फ्राई करती हूँ। अब प्याज और बादाम को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 tablespoon ऑयल डाला और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काटा है और अब प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का लाइट पिंक सा कलर आ जाए। ठीक है, हल्का सा ये लाइट पिंक ब्राउन सा हो जाए। ठीक है, और साथ में हम बादाम भी फ्राई करेंगे इसके। आप बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। मैंने 12 बादाम लिए थे जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और इसका छिलका उतार लिया था। ठीक है, और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका पिंक कलर हो जाए। प्याज और बादाम फ्राई हो गए, अब मैं इसे ठंडा करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। प्याज और बादाम को मैंने ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी और हल्का सा पानी ऐड करके इसे इसका ब्लेंड करके इसको पेस्ट बना लूँगी। चिकन मैरिनेशन को 15 मिनट हो गए, अब मैं 1/2 tablespoon पैन में ऑयल डालकर चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। ठीक है, और चिकन को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और जब एक साइड से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर मैं पलट कर दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ठीक है, और आप इस रेसिपी के हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इस रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन एक साइड से फ्राई हो गई है और अब हम चिकन को पलट कर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। चलें, जो हमारी जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और फिर हम चिकन की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन चंगेज़ी की मेकिंग के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, यहाँ मेरे पास है 1/2 kg चिकन जिसे मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा गोल्डन ब्राउन और यहाँ मेरे पास है 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया है और यहाँ मेरे पास है प्याज एक बड़े साइज़ का और 12 बादाम जिसे मैंने हल्का सा पिंक फ्राई करके ब्लेंड कर लिया है। 1/2 cup मेरे पास ऑयल है और यहाँ मेरे पास है 2 tablespoon कुटा हुआ धनिया, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 cup मेरे पास है दही और यहाँ मेरे पास है 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon भर के क्रीम है मेरे पास और यहाँ मेरे पास है 1 tablespoon कसूरी मेथी।
चलें चिकन चंगेजी की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल, एक पतीले में मैंने हाफ कप ऑयल डाला है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। ठीक है, अब ऑयल को हम थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने भर के लिया था 2 टेबल स्पून। ठीक है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटरों का पेस्ट। 3 मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और अब मैं 1 मिनट के लिए टमाटरों को कुक करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और बादाम का पेस्ट, जिसे मैंने फ्राई करके हल्का सा पिंकिश करके ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, और इसे इतना कुक करूँगी कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसको भी हम 5 मिनट कुक करेंगे, ठीक है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। प्याज और टमाटर का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। ठीक है, रेड डार्क होना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब मैं तमाम स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। यहाँ मेरे पास है 1/2 केजी चिकन, जिसे मैंने लाइट सा गोल्डन करके फ्राई किया है, और ये कुक नहीं है चिकन, ठीक है, ये अभी कच्चा चिकन है, तो अभी हम कुक करेंगे इसे। चिकन को भी मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। यहाँ मेरे पास है 1 कप दही, और दही को हमें अच्छे से बीट करके डालना है, और जो हमारा जो चिकन है वो चिकन के अपने पानी में और दही के पानी में ये चिकन कुक होगा। हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, और अब हम दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जब तक हमारा चिकन जो है वो कुक हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर हमें पानी ऐड नहीं करना। चिकन चंगेज़ी रेडी है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है उसने ऑयल भी छोड़ दिया है, और ये अब डन है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून क्रीम, जो कि मैंने भर के लिया था 1 टेबल स्पून। ठीक है, क्रीम ऐड करनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से हाथों से क्रश करना है, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है, और हमारी चिकन चंगेज़ी जो है वो डन है। अब मैं इसमें दूंगी कोयले की धुनी। कोयले की जो धुनी है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब चिकन चंगेज़ी में कोयले का स्मोक आ जाएगा तो फिर मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रूसा ईट्स।